हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीटीई टिप्स एंड ट्रिक्स बाय निखिल। वीडियो शुरू करने से पहले ना कुछ पढ़ते हैं मेरे कमेंट सेक्शन के ऊपर। ये देखिए, प्लीज सर मुझे बता दो मैं क्या करूं, मेरी रिक्वायरमेंट ओवरऑल 58 की है। सर मैं 1 ईयर से प्रैक्टिस कर रही हूं, मेरे पास लास्ट चांस है एग्जाम देने का। मतलब ये बच्चा बहुत ही परेशान है। मेरी एक वीडियो पे उसने कमेंट किया है, ही फेल्ड 5 टाइम्स इन पीटी, ठीक है ना। तो उसी वीडियो के ऊपर इन्होंने कमेंट किया और इसका अटेम्प्ट, ये देखिए, फर्स्ट टाइम इतने आए, सेकंड टाइम इतने आए, थर्ड टाइम इतने, फोर्थ टाइम, और इनका भी 5वीं बार है। और मैं कोशिश करूंगा 5वीं बार इनका एग्जाम कंप्लीट कर दें और पता लगे कि इनमें गलतियां क्या हैं। आइए समझते हैं, जब आपकी भी ऐसी ही प्रॉब्लम आती है, 58 ओवरऑल ही नहीं बनते हैं, तो ये स्टूडेंट कैसे पास कर सकता है। आपको भी ध्यान देना है, आफ्टर 16th ऑफ नवंबर, फोर्थ टाइम, अच्छा फोर्थ टाइम इन्होंने दिया है, आफ्टर 16th ऑफ नवंबर रिसेंटली, मतलब ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं, पहले 3 एग्जाम में तो इनके एनेबलिंग स्किल्स थे, अब चौथे में एनेबलिंग स्किल्स नहीं आए हैं। कोई बात नहीं, देखो सबसे पहले आप नोट डाउन करो, स्पीकिंग में इनके 55 से ऊपर गए ही नहीं कभी। आपको स्पीकिंग के ऊपर इंप्रूव करने की जरूरत है, हर एक सेक्शन को इंप्रूवमेंट चाहिए चाहिए। और रीडिंग में भी देखिए, 45, 52 एक बार आए हैं, बाकी 51, 50 हो गए। देखो अगर आपकी रिक्वायरमेंट 6 ईच या ओवर 58 की है ना, 6.5 की मीन्स, तो आपको ना स्पीकिंग के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। स्पीकिंग में कम से कम आपके 60+ या 65+ होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके किसी और सेक्शन में कम है, वो क्या होगा कि ये स्पीकिंग जो है ना आपके ओवरऑल स्कोर को इंप्रूव कर देगा। अब इस केस में देखिए, राइटिंग में टेम्पलेट यूज होते हुए भी आपके सिर्फ इतने नंबर आ रहे हैं 50s में, मतलब आपकी रीडिंग एंड राइटिंग इन द ब्लैंक्स में बहुत भारी गलती है। अब इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि रीडिंग का तो कोई है ही नहीं, करना पड़ेगा, मेरी वीडियोस चेक करिए। अब राइटिंग की बात करें, राइटिंग का इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ता है, हिंदी में रीडिंग एंड राइटिंग, और ऊपर से आप देखो आपके लिसनिंग में 45, 49, 52 आपके राइट फ्रॉम डिक्टेशन यानी सही हो रहे, अगर सही हो रहे हैं पूरे से पूरे नहीं सुनाई दे रहे आपके, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो आप अपनी पहले गलतियों को ढूंढो, आप कर ही गलत रहे हो, परफॉर्म ही नहीं अच्छा कर रहे, तो नंबर कैसे आएंगे, कैसे आएंगे नंबर? लेना तो चाहते हो आप स्कोर्स, आपको सभी सेक्शन, आप 1 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, मुझे तो लगता है कि आप 1 साल में किया ही आपने कुछ नहीं, भले ही आपने मेहनत की है, आई अप्रिशिएट, बट मेहनत भी अगर आप सही ढंग से करोगे तो ही हमारे को रिजल्ट मिलेगा। इस केस में मैं आपको ये सलाह दूंगा, सभी सेक्शंस के ऊपर पेपर में आपने क्या गलतियां की हैं उसकी एक लिस्ट बनाइए, फिर उस लिस्ट के ऊपर काम करिए। बच्चे क्या कहते हैं, अब इनका देखिए है ही नहीं, इनका देखो अब 76 रिटर्न स्कोर, 90, 89, हमेशा इतना ही आ रहा है, वो आ रहा है कि ऐसे राइटिंग आपका अच्छा है, ठीक है ना। देखो 52 आए, हाईएस्ट तो आपके 52 ही है बस, और कुछ है ही नहीं, और इधर भी 52 और इधर 55, बस आपका कुछ भी अच्छा नहीं है, गलतियां हो रही हैं। जब बच्चा ये कहने लग जाए ना कि मैं सर वैसा के वैसा ही लिख के आया हूं और मुझे नंबर नहीं आए, तो कभी भी सलूशन नहीं निकलता है। अगर आपका पेपर क्वालिफाई नहीं होता है ना, तो मैं आपको गाइस एक सलाह देता हूं, एक बेस्ट सजेशन है, अगर वाकई आपने पेपर पास करना है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरी ये सजेशन है कि अगर आप एग्जाम देते हैं और अच्छे स्कोर नहीं आते, तो आप देखिए कि मेरे स्कोर्स अच्छे क्यों नहीं आ रहे, मैंने क्या ऐसे गलतियां की होगी, बल्कि क्वेश्चन से ये टीचर से ये क्वेश्चन में पूछो कि मैंने तो वैसा का वैसा किया था, बाकी बच्चों को कैसे आ रहे हैं उनके स्टूडेंट, उन्होंने भी तो उसी टीचर से पढ़ा होगा ना, दिमाग में डालो ये बात। आप अपनी गलतियों को इग्नोर कर रहे हो, टीचर आपको गाइडेंस देगा, लेकिन अगर आप टीचर को सच बताओगे, मैं जब स्टूडेंट से पूछता हूं ना, मैं देखो मेरे स्टूडेंट के भी कई बार स्कोर नहीं आते, मैं भगवान नहीं हूं, मैं रियलिटी बेस्ड बंदा हूं और हमेशा रियलिटी के ऊपर बिलीव करूंगा। कोई भी ऐसा
इंसान नहीं है जो 100% परफेक्ट हो, और कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन वो नहीं है, मुझे नहीं लगता कि जिसके 10 बच्चे में से 10 के 10 पास हो गए हो, ठीक है ना। कोई तो कभी तो कभी तो ऐसा होगा, जैसे मेरा एक बैच में 50 बच्चे हैं, 50 में से मान लीजिए 40 पास हो गए, 10 पास नहीं हुए, वो 100% रिजल्ट नहीं हुआ, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो मेरे पास जब स्टूडेंट आता है कोचिंग लेने के बाद पास नहीं होता है, देखो मैं तो मुंह पे कह देता हूँ, बाकी को नहीं पता, मैं मुंह पे कह देता हूँ, ये जरूरी नहीं है कि आपको 100% रिजल्ट मिले मेरे से कोचिंग लेके, लेकिन बच्चों के आ रहे हैं आपके भी आ सकते हैं, आप हमारे साथ करिए प्रैक्टिस, हम आपको बिल्कुल गाइड करेंगे। तो बच्चा मेरे को पूछता है कि सर मैंने तो वैसा का वैसा किया था, टेम्पलेट की वैसा वैसा का लिखा था जैसा आपने कहा था, फिर मेरे अच्छे स्कोर्स क्यों नहीं आए। तो मैंने उससे पूछा कि तूने कोई गलती की है? नहीं सर मैंने कोई गलती नहीं की। तो गलती ना की होती तो 90 out of 90 आते हैं, सिंपल सी बात है। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि जो रियल एग्जाम में हुआ है उसकी रियलिटी मुझे बता, तभी मैं बता पाऊंगा कि गलती है क्या। अगर आप ये कहोगे ना कि मैंने तो 100% सही किया ना, फिर आपका देखो टीचर तो काम कर ही रहा है, अगर आप खुल के टीचर के साथ खुल के नहीं बोलोगे ना तो आपको बता नहीं पाएगा, ठीक है। तो आप अपनी पहले गलती देखिए, रीड अलाउड में क्या हुआ था, रुकी थी मैं या रुका था, यहाँ पर मुझे खांसी आ गई थी, डिस्ट्रक्शन हो गई थी, मेरे रिपीट सेंटेंस अच्छे नहीं गए, आपके केस में देखिए रिपीट सेंटेंस भी अच्छे नहीं गए, 10 में से कितने बोले, सिर्फ टेम्पलेट टेक्निक और फॉर्मेट पता आने से नंबर नहीं आते हैं, ठीक है। आपको अपने में गलती ढूंढनी पड़ेगी, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, फिर आप जाके पास होगे, अदरवाइज घूमते रहो ऐसा ही, फायदा कुछ नहीं है। तो अगर आप मेरे से कोचिंग लेना चाहते हो, मेरा टीचिंग स्टाइल आपको अच्छा लगता है, तो सामने दिए गए नंबर के ऊपर मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग कोचिंग इन 3 different languages, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए उनके पास टाइम हम अपना एडजस्ट करेंगे। अगर आप काम में बिजी हैं, यहाँ पर सारे बिजी हैं, एवरीवन इज बिजी, पर फिर भी हम उनके टाइम को मैनेज करते हैं और उनको भी कोचिंग देते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है। तो टाइम ना वेस्ट करो, लोगों के हमारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट चेक करो, अपने आप को मोटिवेट करो। अगर आपको गलती के बारे में नहीं पता लग रहा है तो आप हमारे को अपना स्कोर कार्ड सेंड कर सकते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट इवेल्युएट करेंगे, आपको बताएंगे, हमें लिखकर भेजिए कि ये मेरा स्कोर कार्ड है, प्लीज सर हमें बताइए कि हम इसके ऊपर क्या काम करें और कितने हफ्ते की मेरे को जरूरत है कोचिंग की। जरूरी नहीं है हर एक स्टूडेंट को हम 3 हफ्ते में डाल दें, मैं मैक्सिमम 3 हफ्ते से या 4 हफ्ते कोचिंग देता हूँ, कई बच्चों को 2 हफ्ते में भी हमने पास करवाया हुआ है, वो लेवल के अकॉर्डिंग होता है, आप अपना लेवल मत जज करिए। तो अगर आप भी अपना स्कोर कार्ड हमारे से एवेल्युएट कराना चाहते हैं तो सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।